हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल सिंह ऑटोडॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा हैरियर XTA प्लस डार्क एडिशन के बारे में, जिसका प्राइस शुरू होता है 14,80,000 रुपये से लेके 22,35,000 रुपये। फ्रेंड्स, अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे आपको टाटा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी क्रोम फिनिश के साथ में। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में ग्रिल देखने को मिल जाती है और नंबर प्लेट के लिए स्पेसिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड ग्रिल देखने को मिल जाती है। साइड की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा हेलोजन, और फॉग लैम्प आपको यहाँ पे हेलोजन देखने को मिल जाती है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है। पियानो ब्लैक फिनिश दे रखी है और क्रोम फिनिश के साथ में। यहाँ पे इंटरनली इसको माउंट कर रखा है ताकि बहुत ही प्रीमियम सा फिनिश आ जाए। लुक एनहांसमेंट दे रखा है। यहाँ पे DRLs आपको देखने को मिल जाएंगे। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऊपर में क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। टायर की जो प्रोफाइल है वो आपको बेसिकली 235/65 R17 17 इंचेस के यहाँ पे अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। और डार्क एडिशन के यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ORVM आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे माउंटेड विद टर्न इंडिकेटर्स। और यहाँ पे आपको डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा जो कि ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है। और रिक्वेस्ट सेंसर्स भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको अगर ग्लास पैनल की बात करूँ तो डिसेंट सा ग्लास पैनल देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपको कोई भी डोर वाइज़र देखने को नहीं मिलता है, वो भी आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। और सेकंड इसके गेट की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे ग्लास पैनल में आपको अगेन कुछ और एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक नाइस से डिसेंट सी फिनिशिंग दे रखी है। और यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक दे रखा है। बेसिकली टर्न इंडिकेटर्स की बात करूँ तो बैक में तो यहाँ पे आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक प्यारी सी फिनिश दे रखी है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर अगेन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हैरियर की बैजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए स्पेसिंग दे रखी है। यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा दे रखा है। सेंसर इसमें IKS 2 ही दे रखे हैं। ये दो आपको सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। और डिफॉगर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिफॉगर दे रखा है। स्टॉप लैम्प दे रखी है LED IKS। और यहाँ पे आपको स्पॉइलर देखने को मिल जाता है। ऊपर एक एंटीना देखने को मिल जाएगा। काफ़ी छोटा सा वाइपर देखने को मिल जाएगा पीछे की साइड में। इस तरीके की इसकी कुछ बैक प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। तो गाइस, चलते हैं इसके बैक सीट्स की तरफ। तो अगर मैं इसके डोर की बात करूँ तो यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक आपको देखने को मिल जाएगी। जो डोर हैंडल देखने को मिलता है यहाँ पे आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में देखने को मिलेगा। और ये डोर ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे एक सिल्वर नहीं, आई थिंक गोल्डन फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको ग्लास पैनल ओपन डाउन और अप करने के लिए यहाँ पे आपको की बटन देखने को मिल जाती है। स्पेसिंग इसमें काफ़ी अच्छी दे रखी है। यहाँ पे आप बोतल वगैरह रख सकते हो और नॉर्मल कोई सामान वगैरह रखना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे इजीली रख सकते हो। तो इतना सारा स्पेस इसमें दे रखा है। ग्लास पैनल भी डिसेंट सा दे रखा है। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो इंटीरियर में आपको यहाँ पे लेदरॉइड सीट नहीं मिलेगी गाइज। तो ये जो सीट्स मैं बता रहा हूँ ये लेदरॉइड सीट्स नहीं है, बट कम्फर्टेबल बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर इसकी प्रीमियमनेस की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा जो कप होल्डर के साथ में। यहाँ पे आप कोई भी ग्लास वगैरह रख सकते हो लॉन्ग ट्रैवल वगैरह के लिए, या कुछ भी करना चाहो तो वो कर सकते हो। पीछे में स्पेसिंग भी बहुत अच्छी दे रखी है। छोटा मोटा सामान अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। सूटकेस या ब्रीफकेस की नॉर्मल से साइज़ के जो ब्रीफकेस वगैरह वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इस तरीके का कुछ आपको इसका इंटीरियर लुक देखने को मिल जाएगा। तो डार्क एडिशन है ये, और डार्क एडिशन में आपको ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन दे रखा है। जो रूफ़ आपको मिलने वाली है तो वो आपको वाइट कलर में मिलने वाली है, वो ब्लैक नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे वेंटिलेशंस का बहुत ख्याल रखा गया है। टाटा की तरफ से दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम रहती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, और इंजन इनका बहुत अच्छा रहता है। सेफ्टी रेटिंग्स भी इनकी गाड़ियों को मिली हुई हैं। और दूसरी बात करूँ तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लाइट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप लाइट ऑन वगैरह कर सकते हो। सनरूफ आपको ऊपर देखने को मिल जाता है। तो बैक प्रोफाइल से अगर मैं ड्राइवर सीट को देखूँ या को ड्राइवर सीट को देखूँ तो बहुत प्रीमियम सा लुक आता है गाइस। यहाँ पे अगर देखो
इस तरीके की आपको यहाँ पे लुक एंड फील मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको एसी वेंट देखने को मिलने वाले हैं, साइड में आपको एसी वेंट दे रखे हैं, स्पीकर्स दे रखे हैं, यहाँ पे हरमन के स्पीकर माउंटेड दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको पावर सॉकेट देखने को, पावर सॉकेट तो नहीं है, यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाएंगे ताकि आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई भी यूएसबी केबल वगैरह इसमें इंसर्ट हो सकती है। यहाँ पे एक डिसेंट सी स्पेसिंग दे रखी है, अगर आप इसमें मोबाइल वगैरह रखना चाहो तो मोबाइल वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे हैंड रेस्ट प्रोवाइड कर रखा है, तो आपको इस तरीके का हैंड रेस्ट देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर में भी आपको 12 वोल्ट की पावर सॉकेट दे रखी है, और टाइप सी और यूएसबी पोर्ट दोनों ही आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो चार्जिंग आप कर सकते हैं। और डिसेंट सी स्पेसिंग आपको यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे आपको कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत डिसेंट सा। और गाइज इसके अगर मैं हैंड ब्रेक की बात करूँ तो ये मेरे को ऐसा दे रखा है कि जैसे मैं अभी जहाज उड़ाने वाला हूँ, टेक ऑफ वगैरह करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको एक हरमन की स्क्रीन देखने को अगेन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल सिस्टम मिल जाएगा, वॉइस कम ज़्यादा वगैरह करने के लिए एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट देखने को मिल जाएगी, फॉग लैम्प एक्टिवेट करने को मिल जाएगा, और इस तरीके से कुछ कंट्रोल्स और मिल जाएंगे। फॉगर डिफॉगर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और एसी कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। अगर बहुत लैग और मतलब फ्रंट में आपको अगर एसी चलानी है तो इससे चल सकती है। स्पीड एडजस्टमेंट दे रखा है, एसी ऑन ऑफ का ऑप्शन दे रखा है, टेम्परेचर कंट्रोल आपको यहाँ से दे ही रखा है, और गियर और ये ऑटोमेटिक है। आपको बेसिकली यहाँ पे भी आपको यूएसबी पोर्ट वगैरह दे रखे हैं, और 3.5 नॉट श्योर अबाउट दिस वन, बट एक जैक दे रखा है, और बहुत ही कूल डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे एक गियर नॉब दे रखा है। चलते हैं इसके ग्लव बॉक्स की तरफ। तो अगर ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो बहुत ही बड़ा ग्लव बॉक्स दे रखा है, इस अगेन लाइट के साथ में दे रखा है। इसमें देखो इतना सारा सामान ऑलरेडी आ रखा है, तो मीन्स डिसेंसी स्पेसिंग भी दे रखी है। और यहाँ पे भी आपको बहुत फ्रंट में फ्रंट को ड्राइवर पैसेंजर को ड्राइवर सीट की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे भी डिसेंट सा डोर दे रखा है। यहाँ पे फिनिश जो दे रखी है गाइज, ये लेदर नहीं है, ये लेदरॉइड बिल्कुल भी नहीं है, बट ये बहुत ही प्यारा सा मटेरियल यूज़ किया गया है जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियमनेस आ रही है। और इधर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों ही मिल जाते हैं। अब गाइज इसकी बात करूँ तो मैं स्टेयरिंग व्हील की, तो स्टेयरिंग व्हील में जो आपको सेंटर में आपको देखने को मिलता है टाटा की बैजिंग देखने को मिलती है क्रोम फिनिश के साथ में, और यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है, और यहाँ पे डिफॉगर को एक्टिवेट करने के लिए मिल जाता है, और आप इससे वाईफाई वगैरह एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, टर्न इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पावर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दे रखा है। यहाँ पे आपको इसी वेंट देखने को मिल जाते हैं, डिफॉगर देखने को मिल जाता है साइड मिरर, और फ्रंट में आपको यहाँ पे आपको डिफॉगर देखने को मिलता है, तो ये आपको रिफ्लेक्शन मिरर देखने को मिल जाएगा। ऊपर में अगर हम बात करूँ तो ऊपर में आपको यहाँ पे सनरूफ ओपन करने के लिए बटन देखने को मिल जाती है, तो देखो इस तरीके से सनरूफ ओपन हुआ, और इसको क्लोज करने पे मैं सनरूफ को क्लोज कर सकता हूँ। तो इस तरीके के मेरे को यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ लाइट वगैरह देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे सनशेड्स वगैरह अगेन देखने को मिल जाते हैं। बट एक चीज़ गाइज मैं यहाँ पे टाटा वालों को बोलना चाहूँगा या सजेस्ट करना चाहूँगा कि ORVM कंट्रोल्स आप यहाँ से हटा के कहीं और दें, या यहाँ पर एडजस्ट कर दें, यहाँ पर भी कहीं एडजस्ट वगैरह करें, तो ताकि बहुत ही कन्वीनियंट होता है वहाँ पे जा करके इसको इस तरीके से ORVM को सेट करना। पर्सनली मेरे को ज़्यादा फील नहीं आता है, इसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। और ड्राइवर सीट के डोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पावर विंडो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे बटन देखने को मिल जाती हैं, पेरेंटल चाइल्ड कंट्रोल सॉरी चाइल्ड लॉक देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और वहाँ पे बूट एक्सेस बोनट एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको बटन देखने को मिल जाएगा। और सीट हाइट एडजस्ट वगैरह करने के लिए मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो रिक्वेस्ट सेंसर से भी मैं ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सीट की हाइट एडजस्ट वगैरह करने के लिए,
तो इससे मैं सीट की हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे तो अपने बॉडी पोस्चर के अकॉर्डिंग मैं सीट को एडजस्ट कर सकता हूँ। तो गाइस ये ओवरऑल प्रोफाइल थी टाटा हैरियर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस सिंग ऑटो टॉक्स। और गाइस अगर आपका बजट है इस गाड़ी को लेने का या इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी आप अगर लेना चाह रहे हैं तो आप टाटा हैरियर को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही रिफाइंड इंजन आपको देखने को मिलेगा, माइलेज आपको देखने को मिलेगा। और अगेन सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करूँ तो उसका एन कैप रेटिंग बहुत ही अच्छी मिली हुई है गाइस, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। और ऑब्वियस ही बात है ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, जब भी ये रोड पे निकलती है एक अट्रैक्शन बना लेती है अपना। तो गाइस अगर मैं इसके बूट स्पेस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो बूट स्पेस मिलता है वो 430 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और BS6 इंजन कंप्लाइंस है। तो यहाँ पे यूरिया वगैरह के लिए फिलिंग के लिए स्पेसिंग दे रखी है, यहाँ पे आपको कुछ टूल्स देखने को मिल जाते हैं। स्पेसिंग बहुत ज़्यादा दे रखी है, यहाँ पे पूरी पूरी 2-3 ट्रॉली सीधी सीधी जा सकती हैं। और इसके अगर हम बात करूँ तो एक्स्ट्रा स्पेस भी दे रखा है, अगर इसको मैं ऊपर कर दूँ तो यहाँ पर जूते वगैरह कुछ भी रख सकते हो या नॉर्मल चीज़ें जो भी कुछ रखना चाहो तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो डिसेंट सी स्पेसिंग दे रखी है, यहाँ पे लाइट भी दे रखी है। और ये क्या दे रखा है, 2 kgs यहाँ पे साइन दे रखा है, बट यहाँ पे एक लाइट देखने को मिल जाती है आपको। और ये इंसुलेटेड है पूरी तरीके से, और इसको भी आप बड़ा कर सकते हो अगर इसको नहीं चाहिए तो। ये सारी चीज़ें अगर कुछ बड़ा चीज़ आप लेकर के जा रहे हो तो इसको आप शायद हटा भी सकते हो, मेरे ख्याल से वो हटाना सेफ नहीं रहेगा। और ग्रैब हैंडल की बात करो तो गाइस यहाँ पे प्रॉपर एक हैंडल दे रखा है, ना कि वो नॉब करके कुछ दे रखा है, ताकि यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रॉपर दे रखा है। सो ये था गाइस इसका बूट स्पेस। की अगर मैं बात करूँ तो आपको इस तरह की देखने को मिल जाती है, जिसमें लॉक अनलॉक बूट एक्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको टाटा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, तो इस तरीके की आपको की देखने को मिल जाएगी।